मुश्किल से मैं खुद कैमरा खोल रहा हूँ कि आपको लोगों को बता सकूँ कि यार कितनी मुश्किल आती है यहाँ। मतलब किसी का मन ही नहीं है बात करने का, किसी का मूड ही नहीं कैमरा में आने का। भाई हमारी आग बंद हो रही है और बारिश स्टार्ट हो गई है, बारबेक्यू खराब हो जाएगी। अरे भाई चेंज कर ले, थोड़ा बहुत नजारे कर ले और हम जहाँ से जाने कोई अलग से आइलैंड बना हुआ है भाई, कभी एडवेंचर लेने वाला सीन लग रहा है। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 3, मेरा मतलब कि सुबह के 3, और क्योंकि सुबह हमारा जानवर कुर्बान होने वाला है तो हमारी टीम में से हर कोई बंदा जाके सो चुका है। सिर्फ मैं हूँ और ये है और हमारी गाय है। इसको फिलहाल गुस्सा आया हुआ है, पता नहीं क्यों गुस्सा आया हुआ है यार। था जैसे अपने साथियों को देखा कि हाँ भाई वो कुर्बान हो गए, उनकी आवाजें वगैरह सुन के ये भी घबरा गई, डर गई थोड़ा। तुम्हारे साथ में सिर्फ 4 से 5 घंटे और है मेरे पास, के बाद तुम चली जाओगी। पिछली बार वाली गाय की तरह तुम इतनी मासूम तो नहीं थी। अरे अच्छा ठीक है, पता है उतनी मासूम नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा भी एक अलग ही फीलिंग थी। तुम्हें जब हम निकालते थे तुम यूं मेरे को सिंग मारती थी, कभी मेरा बाजू फंसा दिया, कभी कुछ कर दिया। राजा देख, अबे ओ रे बाबू, बहुत मासूम जानवर है, बहुत गलत। का मन कर रहा है यार, जितना भी कोई तंग कर ले आज हम इसके पास ही हैं, कहीं भी नहीं जाएंगे। जब तक कसाई खुद नहीं आके हमसे छीन लेता ना, तब तक हम इसके साथ ही रहेंगे। कसाई रेडी हो चुके हैं सारा कुछ करने के लिए। डर रहा है, मुझे भी डर आ रहा है। मैं तुमसे बात, अबे कसाई लोग भी आ गए हैं। बस वही कर पहले, बस यहां से बस तो खींच ऊपर। जोड़ता है चले यार, जानवर की कुर्बानी हो चुकी है। गिरते वक्त इसने बहुत कोशिश की है, मतलब पूरी जितनी जान हो सकती है इसने पूरी जान लगाई है। मैंने खुद काफी लेट कैमरा खोला है कि भाई हमसे नहीं देखा जा रहा। इसका भाई मूड ऑफ हुआ है, इसका थोड़ा प्रैंक बैंक करते हैं, इसको बोलता हूँ बारबेक्यू करनी ताकि मूड तो सही हो इसका थोड़ा। यार बड़ी मुश्किल से मैं खुद कैमरा खोल रहा हूँ कि आपको लोगों को बता सकूँ कि यार कितनी मुश्किल आती है यहाँ। मतलब किसी का मन ही नहीं है बात करने का, किसी का मूड ही नहीं कैमरा में आने का। कुछ बता तो दे आवाम को, तो आवाम के लिए कुछ तो बोल दे। क्या कुर्बानी वगैरह हो गई यार? बस कुर्बानी हो चुकी है, अल्लाह की राह में उसकी। और यार एम्पायर का तो बहुत ही मूड ऑफ है, उसके बाद चलते हैं थोड़ा बहुत उसका मूड चेंज करते हैं, तफरी करते हैं उसके बाद थोड़ी बहुत। यार मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ इन लोगों का मूड चेंज करने की। ये भी सैड है, वो भी यूं गोश्त को देख रहा है कि भाई मेरी गाय के साथ क्या कर दिया, ये लोग तो गोश्त मांगने के लिए आए हुए। करते हैं इनका मूड चेंज करते हैं। चलो भाई गोश्त कटवाने के बाद इसकी भी हालत थोड़ी सही होगी, बातचीत कर रहा है, ये भी थोड़ा सही हो गया, मुस्कुरा रहा है अब थोड़ा। यार कसम से बहुत नींद आ रही है, मैं नहाऊंगा फिर मैं सोऊंगा। गाय का पूरा सीन खत्म हो चुका है, सिर्फ ये बचा हुआ है। यार ये देख के फिर याद आ रहा है, उसकी यादें आ रही हैं। चलो वो अंदर चलते हैं, अभी हम खाएंगे उसकी कलेजी।
नहा के रेडी हो चुका हूँ और वैम्पायर भी जा चुका है गोश्त देने, उनको देने जिनको वाकई में जरूरत है। और अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है यार, वो फीलिंग आ रही है कि हमने सही किया यार, कुर्बानी का जानवर था, जब गाय कटी तब जो जो बंदा आ रहा था गोश्त मांगने उनको दिया, तो मतलब एक दिल में सुकून आ रहा है यार कि वाकई में हमने अच्छा काम किया है, गाय भी हमने कुर्बानी के लिए की है तो एक नेक काम ही है वो। खैर वो सब तो ठीक है, मैं खुद भी थक चुका हूँ, वो बंदा भी थक चुका है, वो बंदा तो GTA खेल रहा अपना। कल ही मिलते हैं तुम लोगों से और कल एक खास चीज होने वाली है, ठीक है, समझ रहे हो, तुम्हें पता ही है कि कुर्बानी के बाद क्या होता है, डायरेक्ट वहीं पे मिलते हैं। The next day. अगला दिन हो चुका है और डायरेक्टली आप लोगों को बताता चलूं मैं कि आज है हम लोग का बार्बिक्यू। रात में हम सब ने भाई बातचीत वगैरह की, नफरी वफरी अंकल जो सबका मूड थोड़ा बहुत सही हुआ और सारे मान गए भाई बार्बिक्यू के लिए। अभी ज्यादा देर नहीं करते, फोन से बार्बिक्यू का सामान लेकर चलते हैं। बार्बिक्यू बना रहे तू भाई? हां ना बार्बिक्यू बना रहे, तेरे को दोनों उड़ा दूंगा। अरे अभी तो रात में बात हुई थी कब उठी? थोड़ा ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। अभी मसाला और क्रीम वगैरह ले लिए और अभी कोयले वगैरह लेने चलते हैं, जाते हैं फोन से फोन कोयले पकड़ते हैं। कोयले भी ले लिए, अब क्या रहता है, मट्टी का तेल, टिक्का बुटी की मेन चीज तो हम भूल गए, दही भी तो लेना है यार। कब से यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं लेकिन सीखे नहीं मिल रही है, ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढने से मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। एक मार्ट पे जाना है वहाँ शायद मिल जाए, देखो। चलो यार फाइनली मार्ट पे जाके मिली है सीखे, अगर मिली तो सही वरना तो रह जाते हैं हम लोग। बिल करवाते हैं और ये दो जूस भी एड हो गए यार। भाई सीखे हम ले आए थे और हम लोगों ने छत पे सारा सामान भी लिया है, यहाँ पे सेटअप हो रहा है, इसका बिफोर एंड आफ्टर हम लोगों को दिखाता हूँ। अभी ये देख लो छत पे कतई अंधेरा अंधेरा है, और जो थोड़ी बहुत लाइट नजर आ रही है वो भी मेरे फ्लैश की है। ये है बिफोर और आ गया भाई आपका नेट सेटअप, और ये देखो आग भी रेडी हुई है। चलो भाई बोटियां भी बन चुकी हैं और ये देखो भाई ये हमारे प्रोफेशनल शेफ ने तैयार की है, मतलब मसाला लगा के तैयार किया है। ये कहाँ से लाइटिंग अच्छी आ रही है चांद के साथ, लेकिन बोटियों का असल पता तो तब चलेगा जब खाने में। भाई हमारी आग बंद हो रही है और बारिश स्टार्ट हो गई है, ये बार्बिक्यू खराब हो जाएगी, वापसी भागो। वही बीच में बारिश रुक चुकी थी तब जाके हमने अपना सेटअप वापसी लगाया। ये बोटी आ चुकी है, देखने में तो लजीज लग रही है, खा के देखते हैं। चीज तो बढ़िया है, चीज बढ़िया है। पहली सीखे तो सबने खा ली, अब हमारी बारी यार सीखे लगा, सीखे लगाते हैं। चलो भाई मार, ज्यादा लोगों ने खाना पीना खत्म कर लिया है, आधे लोग नीचे जाके सो चुके हैं, ये उठा हुआ है वो उठा हुआ है और मैं उठा हुआ हूँ बस। हम भी सामान वगैरह पैक करके नीचे चलते हैं और फिर सुबह ही मिलते हैं। तो भाई सुबह हो चुकी है और हम आ चुके हैं दो दरिया। क्यों आए दो दरिया वैसे, और कोई काम तो था नहीं, हमने बोला थोड़ी बहुत सीनरी चेंज कर ले, थोड़ा बहुत नजारे कर ले, और हम जहाँ से जाने कोई अलग से आइलैंड बना हुआ है भाई, कभी एडवेंचर लैंड वाला सीन लग रहा है। वो वहाँ पे समंदर है, वहाँ तक चल के जाना है। थोड़े हफ्ते पहले तो बिल्कुल करीब आया हुआ था ये, मैं पहुंचूंगा पहले। ए भाई मुकाबला चल रहा है, ये भाग रहा है, ये देखो ये दो तो पहले आगे निकल के बहुत भाग क्या है। सी व्यू इतना साफ कैसे हो गया, इतना साफ सी व्यू। अरे भाई हमको सी व्यू पे केकड़े मिल गए लेकिन छोटे छोटे बिल्कुल, एक गेरा छुपा हुआ छोटा सा, ये रहा। अबे गेरा केकड़ा, अबे ले गए यार लहरे सारे केकड़े ले गए। अभी तो पानी थोड़ा थोड़ा सा है, कुछ हफ्ते पहले भाई पूरी दीवार तक आ रहा था। और हम यहाँ पे नहाएंगे नहीं क्योंकि यू नो नॉट रंग बिरंगा। खैर छोड़ो, एक बिल्कुल ही एस्थेटिक सीन आ रहा है यहाँ पे, और यहीं पे हम कर रहे हैं अपने इस ब्लॉग को एंड। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, 90% लोगों ने किया ही नहीं हुआ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। लास्ट फिश, टेक केयर, बाय बाय, चलो शॉट।